आप अमेज़न पर अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है कि पता नहीं प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं। ये डर सबको लगता है, फिर चाहे आप न्यू सेलर हो या फिर एक्सपीरियंस सेलर। लेकिन आज इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका ये डर दूर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा जो रियल टाइम पर प्रोडक्ट डेटा बेस्ड होगी। इससे आपको मार्केट कॉम्पिटिशन, मार्केट डिमांड, मार्केट कैपेसिटी एंड फाइनली ये पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने का सोच रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, एल्स फ्यूचर में आने वाले अमेजिंग वीडियोस आप मिस कर देंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बनाने के लिए हम एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन, जिसका एक फीचर है मार्केट एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको सेलर स्प्राइट का क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है एंड इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जब भी इस पेज पे आएंगे क्रोम वेब स्टोर के, सेलर स्प्राइट अमेजोन रिसर्च टूल का जो एक्सटेंशन है, जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एड टू क्रोम आएगा। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। तो वंस यू इंस्टॉल द क्रोम एक्सटेंशन, उसके बाद मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम अमेजोन पे आएंगे। तो जिस भी मार्केट प्लेस पे आप सेलिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो अमेजोन का वो मार्केट प्लेस आप ओपन कर लीजिएगा। मैं अभी इंडिया को एज एन एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। तो लेट सपोज हम इलेक्ट्रिक केटल लॉन्च करना चाहते हैं तो उसका मार्केट एनालिसिस करना चाहते हैं कि क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना वर्थ वाइल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक केटल्स की काफी लिस्टिंग आ चुकी है और साथ में ही सेलर स्प्राइट का जो क्रोम एक्सटेंशन है उसने काम करना शुरू कर दिया है और उसने अपने जितने भी फीचर्स हैं वो यहाँ पे दिखाने शुरू कर दिए हैं, जो डेटा है वो दिखाना शुरू कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि लिस्टिंग्स के नीचे आप यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट, चेक, पेटेंट, ये सब सेलर स्प्राइट के फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उसी में से एक फीचर है मार्केट एनालिसिस जिसको आज हम देखेंगे। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो सेलर स्प्राइट का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। आप इस पर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड इस पर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है तो डू अवेल इट। जब हमने मार्केट एनालिसिस पे क्लिक किया तो इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है हमारा और यहाँ पे आप देखोगे सब कैटेगरी इलेक्ट्रिक केटल है एंड वहाँ पे आप देखोगे टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम इस पर होवर करते हैं तो इसके अलावा सैंपल साइज इसने दिखाया है, टोटल प्रोडक्ट्स 100 हैं, ब्रांड इसमें से 40 हैं, 38 सेलर इनको बेच रहे हैं, मंथली यूनिट सोल्ड 98,000 प्लस है, एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड, टॉप लिस्टिंग 984 एंड सो ऑन। इसी तरीके का जो कुछ क्रक्स आपको दे रखा है इस कैटेगरी का, बट हमें और डिटेल में जाना है, हमें और समझना है इस पूरे डेटा को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे गेट रिपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने इलेक्ट्रिक केटल की जो मार्केट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप सबसे पहले ही ऊपर देखोगे लिखा हुआ है इंडिया इलेक्ट्रिक केटल मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट लास्ट 30 डेज, ये पिछले 30 दिनों की रिपोर्ट है। ठीक है, एंड ये जो ब्लू स्क्रीन में आपको सारा डेटा दिख रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्रीफ ऑफ द एंटायर डेटा। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे लास्ट 30 डेज की जगह मंथ वाइज अप टू 2022 तक का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चेंज करना चाहें, एक पर्टिकुलर मंथ का डेटा देखना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लास्ट 30 डेज पे ही एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप इस डेटा को एड टू माई लिस्ट कर सकते हैं, किसी के साथ लिंक शेयर कर सकते हैं, PDF एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेल में भी डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर मैनुअल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समझते हैं तो अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे जो सैंपल साइज है, जो इस रिपोर्ट को डिजाइन करने के लिए जो पूरा डेटा हमने फेच किया है उसका जो सैंपल साइज है उसमें इसने टोटल सैंपल साइज लिया है 100। तो 100 से क्या मतलब है, 100 से मतलब है कि जो भी लास्ट 30 डेज में टॉप 100 प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे कंसिडर करे गए हैं। ठीक है, इसके बाद है ब्रांड्स एंड सेलर्स, तो यहाँ पे 40 ब्रांड्स हैं और इसमें से 38 सेलर्स हैं जो इन ब्रांड्स को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे 40 ब्रांड्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट सेचुरेशन की तरफ है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तो अगर नंबर ऑफ ब्रांड्स आपके बहुत कम है, अगर टोटल 100 का साइज लिया और मान लेते हैं कि आपके जो नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं वो 4 या 5 हैं, तो बेसिकली किसी भी ब्रांड की मोनोपोली नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं है, दिस इज वन इनसाइट। तो यहाँ पे हम एक सैचुरेटेड मार्केट को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ इसको सो दैट आपको लर्निंग मिल सके, क्योंकि अगर मैं बहुत ही कोई निश प्रोडक्ट पकड़ूंगा तो वहाँ पे डेटा नहीं आएगा और फिर आपको समझाने के लिए कोई डेटा नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सैचुरेटेड मार्केट है, बट स्टिल हमारी लर्निंग आज की ये है कि हम मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट कैसे बनाएं। ठीक है, तो ब्रांड्स हमारे यहाँ पे 40 हैं और जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो 38 है। ठीक है, एवरेज BSR बेस्ट सेलर रैंक जो इन 100 प्रोडक्ट्स का एवरेज आउट करके निकल रहा है वो 12,000 समथिंग है। सिमिलरली पास्ट 30 डेज में कितने यूनिट्स सेल हुए हैं, विच इज 984, दिस इज द एवरेज नंबर, रिमेंबर दैट, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय 100 चल रहा है तो दिस इज द एवरेज नंबर। सिमिलरली बाकी सारी चीजें हैं, एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेटिंग्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेफ्ट में आप देखेंगे सारी एवरेज डिटेल्स दी हुई है, मिड सेक्शन में आप देखोगे टॉप 10
प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा दिया कि टॉप 10 सैंपल साइज अगर 10 है, जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उनका एवरेज पीएसआर 285 है, एवरेज यूनिट सोल्ड फॉर पास्ट 30 डेज इज 6000 प्लस, तो एवरेज रेवेन्यू है वो है 50 लाख से ज्यादा एंड सो ऑन। तो अगर आप चाहो तो टॉप 10 की जगह यहाँ पे नंबर्स भी चेंज कर सकते हो, लेट सपोज आप टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 20 देखना चाहते हो, तो यू कैन जस्ट सिंपली स्विच द नंबर्स। आप इस ड्रॉपडाउन में से जो भी आपको ठीक लगता है एनालिसिस के लिए अपने हिसाब से वो आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। राइट मोस्ट कॉलम में आपको दिखेगा यहाँ पे लॉन्च विद इन 6 मंथ्स, तो लास्ट 6 मंथ्स में कितने प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, 13 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, उन प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन क्या है विच इज 13%, एवरेज रेटिंग क्या है उन नए प्रोडक्ट्स की वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड सो ऑन। तो अगर आप चाहते हैं कि लास्ट 6 मंथ की जगह मैं लास्ट 1 मंथ में या 3 मंथ या 12 मंथ में पूरे एक साल में कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए वो यहाँ पे इस ड्रॉपडाउन से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ये पूरा एक ब्रीफ दे रहा है आपको, अब चलते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन मार्केट एनालिसिस बेस्ड ऑन द रियल टाइम प्रोडक्ट डेटा ऑन Amazon। तो जैसे मैंने बताया कि एक रियल टाइम डेटा पे काम कर रहा है, ये पूरा रियलिस्टिक डेटा है, बिल्कुल लाइव Amazon पे जो लिस्टिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग। द फर्स्ट सेक्शन इज मार्केट डिमांड एंड ट्रेंड। तो आप वाई एक्सेस पे देखोगे सर्चेस लिखे हुए हैं एंड एक्स एक्सेस में हमारा जितना भी टाइमलाइन है वो दिया हुआ है। ऊपर आपको ये कीवर्ड्स दिखेंगे जो कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स थे लास्ट 3 ईयर्स में वो है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखा अगर होवर करेंगे तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक केटल सबसे ज्यादा सर्च वाला कीवर्ड था, जिसके सर्चेस थे ऑलमोस्ट 2 लाख सर्चेस थे उसके नवंबर 2022 में। तो विद दिस टाइमलाइन यू कैन फिगर इट आउट कि कौन सा कीवर्ड चल रहा है टाइम के साथ, किसकी नंबर ऑफ सर्चेस हैं। तो इस तरीके से यू कैन फिगर इट आउट कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो किस कीवर्ड पे डिपेंडेंट है। ओके, द नेक्स्ट इज मार्केट सेल्स ट्रेंड। आपको यहाँ पे जितने भी सेल्स और रेवेन्यू है वो मैप्ड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि किस महीने में कितनी हमारी सेल हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 8वें महीने में 2024 की बात करें तो हमारी सेल है 78,000 प्लस एंड रेवेन्यू आप देख सकते हैं विच इज मोर देन 7 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है, क्या मार्केट में ये प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखोगे जो सैंपल साइज है वो लिस्टिंग का 100 है जो हमें शुरू में हमने देखा था, ठीक है। द नेक्स्ट इज लिस्टिंग कंसंट्रेशन। लिस्टिंग कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि द सेल ऑफ टॉप लिस्टिंग डिवाइडेड बाय द सेल ऑफ सैंपल, ठीक है। तो बेसिकली ये नंबर जितना हाई होगा कंपटीशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70% टच हो रहा है। तो यहाँ पे इस मार्केट में इलेक्ट्रिक कैटल के मार्केट में एंटर करना इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, तो यहाँ पे नहीं करना है। बट स्टिल आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए नंबर्स देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिजन का जो कैटल है वो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, नंबर 1 पोजीशन पे आपको दिख रहा है उसका, बाकी डेटा दिख रहा है, मंथली सेल्स उसकी दिख रही है आपको 24,000 प्लस है, रेवेन्यू दिख रहा है, लॉन्च डेट आपको दिख रही है कि 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ना कुछ ब्लू कलर का डेटा है, आप ये देख सकते हैं। तो ये ब्लू कलर का डेटा क्या है, ये वो प्रोडक्ट है जो नए है। नए कैसे है, तो लास्ट 6 मंथ में जो ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं वो ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता है चार्ट, ठीक है। तो इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन, लेट सपोज 12 महीनों में कौन कौन से लॉन्च हुए हैं, तो इसको हम एक काम कर सकते हैं कि छोटा सा कर सकते हैं ग्राफ जस्ट टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैडलेक का केटल लॉन्च हुआ है, तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज बीबी। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे सब 100 प्रोडक्ट्स का डेटा है, लेकिन अगर मैं टॉप 50% देखना चाहता हूँ तो हम इस फिल्टर से स्विच कर सकते हैं, या मैं टॉप 10 को देखना चाहता हूँ तो इस तरीके से हम टॉप 10 को देख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज ब्रांड कंसंट्रेशन। फॉर्मूला सेम है, टोटल सेल्स ऑफ अ टॉप ब्रांड डिवाइडेड बाय सेल ऑफ अ सैंपल ब्रांड, ठीक है। सेम फंडा है, अगर बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज है तो मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, एंटर नहीं करना है। तो आप ब्रांड कंसंट्रेशन देख सकते हो कि ब्रांड्स ने मोनोपोली बना रखी है इस मार्केट में, ऑलमोस्ट 85% तक है, तो एंटर नहीं करना है। तो इसी तरीके से सेम जो हमने लिस्टिंग कॉन्सेंट्रेशन में समझा था सेम चीज है। सेल्स आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में आपको लास्ट 6 मंथ में, या जो भी आप चाहते हैं 12 मंथ, 3 मंथ या 1 मंथ में, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे लिस्टिंग कंसंट्रेशन में 100 का सैंपल साइज था, यहाँ पे सिर्फ ब्रांड्स थे जो 40 थे, राइट। तो उन्हीं का डेटा को यहाँ पे एनालाइज किया गया है, ठीक है। सिमिलरली द सेलर कंसंट्रेशन, सेल्स ऑफ अ टॉप सेलर डिवाइडेड बाय सेल ऑफ अ सैंपल सेलर, एंड 93 की यहाँ पे परसेंटेज है, ऑब्वियसली सुपर हाई कॉम्पिटिशन। हमारे जो नंबर ऑफ सेलर्स थे जो हमने शुरू में देखे थे विच इज 38, वही चीज है, सेम चार्ट है, बहुत ही इजी टू रीड है, आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज द फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट मेथड कौन सा चल रहा है, तो आप देखोगे कि FBA है, FBM है, अननोन, अननोन में आपके सेल्फ शिप वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो एसिन का प्रोपोर्शन आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, मंथली सेल्स किस प्रोपोर्शन में हो रही है वो आप देख सकते हो, एवरेज रेटिंग्स और रेटिंग, ठीक है। तो रेटिंग्स यहाँ पे जो आपका नंबर्स है 4.1, 4.2, ये है रेटिंग, एवरेज रेटिंग से मतलब यहाँ पे स्टार रेटिंग से है, ठीक है। तो वो किस तरीके से आपको मिल रही है, तो आप देखोगे FBA वालों को बहुत ज्यादा रेट मिल रहा है, अच्छी रेटिंग्स मिल रही है विद कंपेरिजन टू FBM और अननोन। नीचे आते हैं तो
आपको दिखेगा ए प्लस कंटेंट एंड वीडियो, ए प्लस कंटेंट में आप देखोगे कि कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास ए प्लस कंटेंट एंड वीडियो है, विच इज 73%। प्रोडक्ट की सेल्स किस प्रोपोर्शन में हो रही है, अगर उनके पास ए प्लस और वीडियो है तो 93% के हिसाब से। नए प्रोडक्ट ऐसे कौन से हैं जिनके पास ए प्लस और वीडियो है, विच इज 46%। एंड न्यू प्रोडक्ट सेल्स विद ए प्लस एंड वीडियो 67%। तो आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ पे जो डोनट वाला चार्ट है यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इस तरीके का जो हमारा सेल्स और सेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट या सेल्स प्रोपोर्शन का जो चार्ट था वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ए प्लस कंटेंट एंड वीडियो आपके कन्वर्जन बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत हाई कन्वर्जन हो जाता है लिस्टिंग्स का। और इस पे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, प्लीज डू वॉच इट, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। द नेक्स्ट इज लॉन्च टाइम। लॉन्च टाइम में आपको ये पता चलता है कि पास्ट कितने टाइम ड्यूरेशन में कितने सेम टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक केटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितने लॉन्च हुए हैं, तो लास्ट 1 मंथ में 5 हुए हैं, लास्ट 6 महीने में 6 हुए हैं। एंड ऐसे अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स में 35 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, सेल्स का प्रोपोर्शन आप ग्रीन कलर के कर्व में देख सकते हैं कि किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। द नेक्स्ट इज लॉन्च टाइम ट्रेंड। इसमें आप ईयर ओवर ईयर देख सकते हैं कि कितने टाइप के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं और उनका जो सेल्स प्रोपोर्शन है वो कितना है। तो आप देखोगे 2023 में लगभग 23 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं और वहीं 24 में आप देखोगे 24 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। ठीक है, एंड मंथली सेल्स एंड प्रोपोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज रेटिंग्स। रेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको रेटिंग्स नहीं मिली हैं। इसके बाद आप देखोगे जो टॉप 1 to 50 है, जो रेटिंग इंटरवल, ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जिनकी रेटिंग्स 1 to 50 के बीच में है, तो ऐसे 9 प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद आप देखोगे ऐसे कितनी रेटिंग इंटरवल्स हैं जो 50 to 100 के बीच में है, ऐसे 11 प्रोडक्ट हैं। एंड अब 500 वाले कितने हैं, विच टोटली मेक सेंस कि यहाँ पे 60 हैं, ग्राफ देख के हम आराम से बता सकते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऐसे 60 प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी 500+ रिव्यूज एंड रेटिंग्स हैं, तो उस मार्केट में या उस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करने का कोई सेंस नहीं है। द नेक्स्ट इज रेटिंग। रेटिंग से पता चल रहा है कौन से प्रोडक्ट के पास कितनी नंबर ऑफ रेटिंग्स है, लाइक 3.5 से 4 के बीच में हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने हैं वो है 39, एंड 7 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास 4.5 की रेटिंग है। ठीक है, वहीं पे 20 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास 4.3 से लेके 4.5 के बीच की रेटिंग है। नेक्स्ट इज प्राइस। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस का क्या वेरिएशन है प्रोडक्ट्स एंड सेल्स प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट में। तो आप देखोगे 0 से 500 के बीच में हमारे 9 प्रोडक्ट हैं ऐसे जिनका प्राइस है जो 0 से 500 के बीच में वेरी करता है। 500 से 1000 के बीच में हमारे 44 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस बीच में लाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं 500 से 1000 एक ऐसा क्राइटेरिया है, ऐसा स्वीट रेंज है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स या सेलर्स इस प्राइस पॉइंट पे खेल रहे हैं। Right? तो इस तरीके से आप इस पूरी रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एंड मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, स्पेशली इन चार्ट्स को समझाने के लिए एक कॉम्पिटिटिव मार्केट सेलेक्ट किया था। लेकिन अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट अपने ही किटी में ऐड करना चाहते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग सेलर हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार मार्केट एनालिसिस जरूर करें, सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं और आपको पता चल सके कि क्या जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट वर्थ करता है या नहीं। तो इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट एनालिसिस करके एक मार्केट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं एंड डेटाबेस डिसीजन ले सकते हैं। सेलर स्प्राइट टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल्सो ये टूल आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, कुछ फ्री है और कुछ पेड। लेकिन अगर आप पेड टूल लेने का सोच रहे हैं तो अभी सेलर स्प्राइट का स्पेशल ऑफर आया हुआ है जिसमें मंथली प्लान आपको सिर्फ $19 में एंड बेसिक ईयरली प्लान सिर्फ $199 में मिल जाएगा। अकाउंट बनाते वक्त AM199 कोड यूज करना ना भूलें। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो जल्दी से जल्दी अवेल करें। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।